लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ इस समय धारचूला से प्रेमा कुटियाल जी जुड़ चुकी हैं, जो नगर पालिका धारचूला की सभासद हैं। इस समय धारचूला में एक आपदा आई है, यानी कि कल रात जो है यहाँ बादल फटने की घटना आई थी। बादल फटने से काफी नुकसान यहाँ हो गया था। काली नदी जैसे कि बताया जा रहा है कि उफान में बह रही है। सबसे पहले प्रेमा जी, स्वागत आपका K24 न्यूज में। आप वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ थी और यहाँ क्या घटना घटी और कितने लोग जन प्रभावित हुए यहाँ और कितनी हानि यहाँ हुई है, डिटेल थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्रेमा जी। जी सर, धन्यवाद आपका। सर, जो ये कल रात को बादल फटी उससे हमारा क्षेत्र आता है खोतीला, और खोतीला में रहते हैं 100 से 150 लोग जो अभी आपदा से पूरी तरीके से प्रभावित हैं और उनका मकान डूब चुका है जी। कुछ लोगों की जन हानि हुई है, अभी शव को निकाला जा रहा है। और उसी में ठीक सामने हमारा धारचूला नगर पड़ता है और नगर क्षेत्र के अंतर्गत मल्ली बाजार और तरकोट वार्ड आता है, जहाँ से तरकोट वार्ड से पानी इसका रिसाव होकर हमारे मल्ली बाजार में आता है, मल्ली बाजार से होते हुए शिव मंदिर वार्ड में और खड़ी गली में और बाकी वार्डों में भी पानी जाता है, जिसकी वजह से हम सारे नगरवासी प्रभावित हुए अभी हो रखे हैं और बहुत सारे लोगों का सामानों का नुकसान हो रखा है, भवन ध्वस्त हो चुके हैं। काली नदी की अगर बात करूं तो जो नेपाल और भारत का बीच का हिस्सा है, डिवाइड करती नेपाल और भारत को, काली नदी इस समय उफान में है। काली नदी के उफान में आने से भारत की तरफ जो रह रहे हैं, जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, उन पर कितनी नुकसान हुआ है, कितनी हानि वहां हुई है? जी सर, जो काली नदी का उफान है अभी बहुत तेज बहाव, अभी इस समय बहुत तेज बहाव में है और जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनके घर पूरे जो उनके छप्पर बने हुए थे वो बहा के ले गए हैं और वहाँ पे एक गौशाला था, गौशाला को भी नुकसान पहुँचा हुआ है। अभी नदी किनारे लोगों की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो उनके सामान है, रहने के जो घर थे और जो उनके रहने का खाने पीने का जो भी खाद्यान्न उनके पास था वो अभी उनके पास नहीं है। कुछ लोग इतनी हालत खराब हुई है, कुछ लोगों के पास जो केवल जो शरीर में कपड़े हैं उन कपड़ों में लोग भाग रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन प्रेमा जी, प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर जन सुविधा क्या मिल रही है प्रशासन की तरफ से? अभी तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये है कि लोगों की जान को कैसे बचाया जाए, लोगों की जानों को बचाने का अभी काम कर रहे हैं, उस अभी प्रशासन लगी हुई है, सिर्फ अभी इतना ही लगी हुई है कि लोगों की जान को बचाया जा सके। अभी हालात जैसे ही सामान्य होते हैं उसके बाद फिर जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति होती है उसके बाद फिर आगे का कदम उठाएगी। नगर पालिका का क्या रोल रहेगा इसमें, और आप सभासद हैं तो आप लोगों का क्या यहाँ रोल रहता है और आप लोगों की किस प्रकार मदद कर पा रहे हैं? जी, नगर पालिका का ये है कि सर, जो हमारी नालियां ब्लॉक हो रखी हैं, रोड जाम हो रखे हैं, उसमें हमारे JCB मशीन लगे हुए हैं और हम लोग अपना कीचड़ हटाने का काम कर रहे हैं और जो लोग अभी आपदा से प्रभावित हैं उन लोगों को हम सही स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कल रात 1 बजे से लेकर हम खुद सोए नहीं है, हम लोगों के घरों में जाकर उनके सामानों को उठाने का काम कर रहे हैं, मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग इतनी दयनीय स्थिति में है, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है और जो सिलेंडर वगैरह था वो बह गया और जो कुछ बचा कुचा है वो मिल नहीं रहा है। तो अभी इस समय तो ये है कि हम जैसे तैसे लोगों की जान बचाने का हम काम कर रहे हैं। जिला अधिकारी की तरफ से कुछ आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या जिला अधिकारी खुद पहुंचे हैं या फिर उन्होंने मुआयना करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा है क्या? अभी जिला अधिकारी ओर से अभी हमें कोई सूचना नहीं है। यहाँ पे जो उप जिलाधिकारी महोदय थे, उप जिलाधिकारी महोदय लगातार ये आपदा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो हमारा क्षेत्र के पटवारी जी होते हैं वो पटवारी जी हमारे साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और पटवारी जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उप जिलाधिकारी जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा कि समय समय पर वो आपदा क्षेत्र में आ रहे हैं। SDRF भी अपना अच्छा रोल निभा रही है, जो खोतीला में 100 से 150 मकाने अभी तालाब बना हुआ है वहाँ पे उन लोगों को निकालने का काम कर रही है और शव को निकालने का काम कर रही है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। SDRF की ओर से भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और उप जिलाधिकारी धारचूला की ओर से भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, पटवारी जी भी समय समय पर हमारे साथ चल रहे हैं। हम खुद अभी आपदा क्षेत्रों में भ्रमण करके आए हैं, पटवारी जी, SDM साहब, हम सभी लोग आपदा क्षेत्र में ही अभी हैं। जी प्रेमा जी, कितने मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं अभी तक?
पूरी तरीके से धारचूला में जो मल्ली बाजार है क्षतिग्रस्त कहूँ तो 6 से 7 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। यहाँ पे कोई मकान था ऐसा हम नहीं बोल सकते, ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। और अभी जो खोतिला का आप क्षेत्र नगर क्षेत्र से थोड़ा दूर है, खोतिला में जो 100 से 150 मकान है उनमें तो पूरी तरीके से छतों में तक पानी भर चुका है, मलबा भर चुका है, और अब उन मकानों में रहने लायक तो मकान हुए नहीं है और उसमें दोबारा जाने लायक अभी मकान नहीं हुए। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है, इसके बाद देखिए स्थिति क्या होती है। खबर ये भी आई है कि जैसे तैसे जन जो जीवन था वो तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन कुछ लोग जान बचाने में सफल भी रहे हैं और उन्होंने कहीं पर शरण भी लिया है। लेकिन मवेशियों की जहाँ पर बात कही जा रही है, जानवर यहाँ पर पूरी तरह बह गए हैं पानी में, ऐसा कहा जा रहा है, खबर आ रही है, क्या ये कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी, इसमें बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि लोग तो बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए अपने जैसे तैसे अपने जान बचा ली है, लेकिन जो ये जानवर है वो बहुत दुखदायी हालत में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और खोतिला में एक अभी सूचना मिली है कि एक और महिला थी जो मलबे से दबके उनकी जान चली गई है। अच्छा, अब मेन सबसे पहला जो सर्वप्रथम सवाल मेरा है आपसे, जो मुझे बाद में पूछ रहा हूँ, पहले पूछना चाहिए था, ये जो जो जल का रिसाव हुआ था किधर से हुआ था और ये जो बादल फटा कहाँ फटा था? कोई नेपाल की भी बात कही जा रही है, क्योंकि नेपाल की दूरी अगर हम मापे तो बिल्कुल सामने नेपाल है आपके, नेपाल और भारत की दूराई ज्यादा नहीं है, कम से कम 100 मीटर दूराई में ही नेपाल है। जी, जल रिसाव की मैं बात करी जो मल्ली बाजार में नुकसान पहुंचा रहे, जो मेन नगर में नुकसान पहुंचा रहे उसकी मैं बात करूं तो हिलवेज कंपनी के द्वारा हमारे तरकोट वार्ड में जो पानी का रिसाव हो रहा है उसको सही तरीके से नाली में डिवाइड नहीं होने की वजह से हमारा नगर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो बादल फटा है तो ये नेपाल के ओर से बादल फटा है, नेपाल की तरफ जहाँ पे एक छोटी सी नदी होती थी वहाँ पे बादल फटा है, जिसका प्रभाव खोतिला के नगर में आया, क्योंकि बादल फटने की वजह से बिल्कुल नेपाल हमारे सामने है, तो इस वजह से नेपाल में बादल फटने की वजह से वो पूरा पानी जो नदी का जल स्तर बढ़ा पूरे खोतिला की ओर बढ़ा है और खोतिला पूरा अभी जल में पूरा डूबा हुआ, जल प्रलय हो चुका है। तो नेपाल के लोगों में भी प्रभावित हो रखे होंगे, नेपाल की कुछ खबर है नेपाल से कितने लोग वहाँ पर जल प्रभावित हो चुके हैं और कितने लोगों की वहाँ जान जाने की खबर या फिर कुछ और अन्य घटना की कुछ खबर है आपके पास? जी, नेपाल के विषय में अभी मुझे सूचना मिली है कि जितने भी लोग, मतलब 6-7 घर ऐसे हैं कि जो पूरी नदी में बह गए और उनमें जितने लोग थे उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और अब घरों के यहाँ से मैं देख लूँ, जैसे इधर हम इंडिया से देख रहे हैं तो नेपाल में मेरे हिसाब से 15 से 20 मकान जो हैं जो पूरे काली नदी में समा चुकी है और लोग कितने गायब हुए हैं। अभी सूचना मिल रही है कि जिन घरों में लोग थे वो कल रात को बादल फटने की वजह से लोग भाग नहीं पाए, तो कुछ लोगों की जाने गई हुई है और कुछ लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं और जान मान हानि की मैं कहना चाहूंगी कि शायद 10 से 15 लोगों की शायद जान गई होगी। जी, ये नेपाल की आप बता रहे हैं। और रात को कितने बजे की घटना है? रात को यहाँ 11 बजे से बारिश शुरू हुई, 11:30 से तेज हुई, तो ये 12:30 और 1 बजे के बीच की घटना है जो नेपाल में बादल फटने की वजह से पूरा इंडिया भी उससे प्रभावित हुआ है और पूरा नगर खोतिला का क्षेत्र है वो पूरा जलमय हो गया है। तो क्या काली नदी पूरी भारत की तरफ मुड़ गई थी क्या? जी, काली नदी का जो बहाव था वो खोतिला की तरफ, हमारे इंडिया की तरफ बहाव होने की वजह से खोतिला नगर को पूरा काली नदी ने अपने में समा लिया था। और बादल जब फटा तो नेपाल में उसका बहाव इतना तेज था कि उसके सामने ठीक खोतिला पड़ता है, तो खोतिला का क्षेत्र इसमें पूरी तरीके से प्रभावित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा जी हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्षेत्रवासियों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।